करते हैं। कुछ देर तक बस युद्ध कला का प्रदर्शन ही चलता रहता है, कभी कृष्ण पट के जाते हैं, कभी चामुर, लोगों का आनंद हो रहा है, लोगों का आनंद बढ़ रहा है, लेकिन कब तक? भगवान जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूरा करना था। भगवान चामुर को देखते देखते एक छोटा सा बालक, 11 वर्ष का बालक, इतने बड़े उम्रदार पहलवान को अपनी दोनों भुजाओं पर उठा लेते हैं। मथुरा की जनता देखती रह जाती है कि चामुर को किस तरह से कृष्ण ने उठा लिया, और बलराम ने मुष्टी की बाजू पकड़कर दसों दिशाओं में इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया कि वो घूमते घूमते बेहोश हो गया, और उसे घुमाते घुमाते इतनी तेजी से भूमि पर पटक दिया कि मुष्टी के प्राण पखेरु उड़ गए, और अपनी भुजाओं पर उठाकर भगवान कृष्ण ने चानूर को भूमि पर जब पटका तो उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अपने दोनों बलशाली पहलवानों को मरते हुए देख कंस से रहा नहीं गया। कंस ने अपने जूते उतारे, मुकुट उतारा और मल्ल युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण के सामने युद्ध में युद्ध भूमि पर आखेट भूमि पर आ गया। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ कंस और कृष्ण के बीच देवकी वसुदेव प्रतीक्षा कर रहे थे इस दृश्य को देखने के लिए। मथुरा की जनता जो कंस के अत्याचार से व्याकुल हो रखी थी, पीड़ित हो रखी थी, वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भगवान इस दुष्ट को अब जीवित ना छोड़े, अब यही समय उचित है। कंस ने ना जाने कितने प्रयास किए अपने काल को रोकने का प्रयास, अपने काल को रोकने का प्रयास कंस ने कितना किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर दो घटनाएं हैं, दो व्यक्ति हैं जिनको अपना काल पता है, दो लोग हैं। एक है कंस, जिसे पता है कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, उसे अपना काल पता है। और दूसरा कौन है जिसे अपना काल पता है? दूसरा कौन है? राजा परीक्षित, जिनको पता है कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प आकर डस लेगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ये दो लोग हैं भागवत कथा के अंदर जिनको अपने काल का, मृत्यु का पता है। मृत्यु सबको आनी है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ख्याल तेरा झूठा है। मौत आते ही मां बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, कोई साथ देने वाला नहीं है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। आनी सबको है, लेकिन परीक्षित को पता है कि 7 दिन बाद आनी है। कंस को पता है कि देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, किसी को पता चल जाए तो क्या करेगा, उसका समाधान ढूंढेगा। समाधान दोनों ने ढूंढा, समाधान दोनों ने ढूंढा, परीक्षित ने भी समाधान ढूंढा और कंस ने भी समाधान ढूंढा। ढूंढा कि नहीं? समय किसके पास ज्यादा है ये बताओ? परीक्षित के पास, राजा परीक्षित के पास मात्र 7 दिन है। कितने दिन है? मात्र 7 दिन, 5 और 2, 7, 1 हफ्ता। और कंस के पास, कंस को पता है कि देवकी का 8वां पुत्र, अरे भाई 8 बच्चे जन्म लेने में तो कम से कम 9 वर्ष लग जाएंगे, 9-10 साल लग जाएंगे, है कि नहीं? देवकी का 8वां पुत्र, इतने वर्ष, और फिर वो 11 वर्ष का होता है। कंस के पास कितना समय? मान के चलो 21 साल, 10 साल भगवान कृष्ण के जन्म में, और फिर वो 11 वर्ष के हुए, 21 साल। और राजा परीक्षित के पास 7 दिन, बस 7 दिन। लेकिन राजा परीक्षित ने 7 दिनों के भीतर समस्या का समाधान ढूंढ लिया, लेकिन कंस को 21 वर्ष हो गए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, और आज काल सामने खड़ा है। आज कंस का काल कंस के सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। मल्ल युद्ध करने के लिए उतर गया।
समस्या का समाधान कंस को नहीं मिला, क्योंकि कंस ने हमेशा अपने शक्ति पर अहंकार किया कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं अपने काल को रोक लूंगा। और राजा परीक्षित ने कहा कि मैं नहीं, संत गुरुदेव अपने गुरु की शरण में जाकर समर्पित हो गया, अपने जीवन को सुखदेव मुनि को समर्पित कर दिया कि हे गुरुदेव आप मार्ग दिखाइए, वो मार्ग दिखाइए जिससे कि मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं, मृत्यु भी आए तो मुझे मृत्यु का कोई भय ना हो। आना तो सबके जीवन में, मरना तो सत्य है। मार्ग व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा। मरना सबको है, कंस का रास्ता चुनोगे कि परीक्षित का रास्ता चुनोगे, ये आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कंस का रास्ता चुनेगा कि परीक्षित का रास्ता चुनेगा। काल तो सबके लिए है, कंस के सामने उसका काल खड़ा है। कंस घायल शेर की भांति उतरता है कृष्ण से युद्ध करने के लिए। भगवान कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान है, कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन कृष्ण बच जाते हैं। मल्ल युद्ध शुरू होता है। भगवान बार बार पैतरे दिखाते हैं, जनता का मनोरंजन, दर्शकों का मनोरंजन करते हैं और कंस को बार बार थका देते हैं। जब थक जाता है कंस, भगवान अपने पैरों से पैर फंसाकर क्या बोलते हैं, लंगड़ी मार। कंस को क्या पता था कि इतने बड़े राजा को कोई लंगड़ी मार के गिरा दे, कोई लंगड़ी मार के गिरा दे। इतना अहंकार, इतना दंभ कि किसी मनुष्य को आज तक मनुष्य नहीं समझा। इतना दंभ और कोई छोटा सा बालक, 11 वर्ष का बालक लंगड़ी मार के गिरा देगा। भगवान ने लंगड़ी मार कर गिराया और उसकी छाती पर जाकर बैठ गए, छाती पर जाकर बैठ गए, अपनी दोनों मुष्टिका बांधी और ऊपर किया और ऊपर करके कहा कि कंस देख, ये तूने मेरे माता पिता को कष्ट दिया था, ये उसके लिए है। घुमाकर एक मुष्टिका का प्रहार उसकी छाती पर किया। जैसे छाती पर किया, एक गूंज निकली, कंस तड़पने लगा, तड़पने लगा। फिर एक मुष्टिका का प्रहार, मेरे भाइयों की हत्या के लिए तूने मेरे भाइयों की हत्या की है, कंस तूने मेरे भाइयों की हत्या की है, उसके लिए कंस तूने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया। तीसरी मुष्टिका भगवान ने उठाई, दोनों भुजाएं बांध ली, दोनों मुट्ठी बांधी और ऊपर करके ऐसे कि तूने मेरे बाल बालों को बहुत कष्ट पहुंचाया। कई राक्षस भेजे, पूतना, अरासुर, वृतासुर, कलंबासुर, कई राक्षस, अनेकों राक्षस भेजे, उनका अंत किया है तूने, उन्हें डराया, धमकाया। और जैसे तीसरी मुष्टिका भगवान ने उठाई और उसके छाती पे मारा, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और जैसे उड़े, पूरे युद्ध भूमि में एक ही जयघोष था, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कंस का वध हो गया और जब वध हुआ, सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, लेकिन जरासंध ये सह नहीं पाया अपने दामाद का वध। अपने दामाद का वध, सत्य तो ये है कि कंस बहुत ही डरपोक आदमी था। अगर कंस का दंभ था तो मात्र जरासंध के कारण था, क्योंकि उसने जरासंध की